जिंदगी सुहाना है और हमारा सर टकला है। एनीवे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पांच ऐसा म्यूजिक प्लेयर्स जिसे आप डेफिनेटली पसंद करोगे। यस, डेफिनेटली। तो वेलकम टू टेक माइंड मेड यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्प्रेड द म्यूजिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दी है इन सारे म्यूजिक प्लेयर्स में। ओके, तो नंबर वन, एड फ्री। ओके, जो भी म्यूजिक प्लेयर्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो सारे के सारे एड फ्री है। नंबर टू, लो रैम कंज्यूम, यानी कि कम रैम यूज करने वाला है ये सारा एप्स अगर आप इसे यूज करते हो तो। नंबर तीन है सिंपल एंड ब्यूटीफुल, और नंबर फोर है जेन्युइन ऑफिशियल, नो मॉड, नो क्रैक। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं म्यूजिक प्लेयर्स को और देखते हैं हम कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और मैंने मोबाइल हाथ में रख के, मतलब ऐसे रख के स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरा अभी हाथ का हाल देखो, अभी आप देख सकते हो, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या फिर नहीं, लेकिन मेरा अभी हाथ का हाल ठीक नहीं है। ओके, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन को रिकॉर्ड किया है, तो चलिए अभी देखते हैं म्यूजिक प्लेयर्स को। ओके, तो नंबर वन जो म्यूजिक प्लेयर है उसका नाम है AOSP म्यूजिक। दोस्तों, इस म्यूजिक प्लेयर का साइज बहुत ही छोटा है, सिर्फ 250 KB है। ओके, और इसके जो इंटरफेस है कुछ इस तरह है, एकदम सिंपल है, और इसकी जो नाउ प्लेइंग इंटरफेस है कुछ इस तरह है, बहुत ही सिंपल है, और इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। और तीसरी बात ये कि ये एड फ्री है। ओके, मतलब एक भी एड आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप सर्च कर रहे हो एक छोटा मोटा साइज़ के एक म्यूज़िक प्लेयर, तो इस एप्लीकेशन को आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलते हैं अभी सेकेंड एप्लीकेशन के। सेकेंड म्यूज़िक प्लेयर का नाम है पल्सर। दोस्तों, ये म्यूज़िक प्लेयर बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इसका जो लुक है, इसका जो इंटरफेस है एकदम स्मार्ट है, यानी कि इसकी जो लुक और इंटरफेस मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है। ओके, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम पहले जाते हैं इसकी जो सेटिंग्स है वहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को जो थीम्स है यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा, और अपग्रेड करने पर आप लोगों को और भी बहुत सारा थीम मिल जाएगा। ओके, और इसकी जो इक्वलाइज़र है इस म्यूज़िक प्लेयर की, इस इक्वलाइज़र को अगर आप अपग्रेड करते हो तो ही इसे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इक्वलाइज़र है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते नहीं है क्योंकि मोबाइल में इनबिल्ट इक्वलाइज़र होता है, जैसे कि ऑडियो एफेक्ट्स, डॉल्बी एटमोस या फिर वाइपर एफेक्ट्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसका लुक स्मार्ट एंड सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सॉन्ग्स है कुछ इस तरह है इसकी जो इंटरफेस है सॉन्ग लिस्ट की। ओके, पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे जो सिंपल जो ऐप्स होता है, सिंपल जो इंटरफेस होता है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तीसरा म्यूजिक प्लेयर है म्यूजिकलेट। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इट डजंट सेंड एनी डेटा आउट ऑफ योर फोन, वी हैव नॉट एडेड द इंटरनेट परमिशन इन दिस ऐप। ओके, यानी कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक अलग सा एक वीडियो बनाया है कुछ महीने पहले जब मैं नया नया यूट्यूब में आया था, तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा कि इस म्यूज़िक प्लेयर में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और चलिए हम परमिशंस दे देते हैं इस एप्लीकेशन को, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसकी जो लुक है और इंटरफेस कुछ इस तरह है, और इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थीम्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक करते हैं। दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ जो म्यूज़िक प्लेयर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये दोनों ही म्यूज़िक प्लेयर स्टाइलिश, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल है। ओके, अगर आप लोग महंगी फ़ोन यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक लुक देखने के लिए मिल जाएगा। तो फोर्थ जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो म्यूज़िक प्लेयर है, उसका नाम है फ्रोलोम्यूज। तो यहाँ पे इसका लुक कुछ इस तरह है, यहाँ पे जो टाइटल्स है सॉन्ग्स की वो बोल्ड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स में थीम्स देखने के लिए मिल जाएगा, चार थीम यहाँ पे अवेलेबल है, और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को इक्वलाइजर्स भी मिल जाएगा। पर्सनली मैं इक्वलाइजर यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी म्यूज़िक प्लेयर में क्योंकि मेरे पास वाइपर एफेक्ट्स है या फिर मैं डॉल्बी एटमोस यूज़ करता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी देखते हैं पांचवा एप्लीकेशन, यानी कि फिफ्थ एप्लीकेशन, फिफ्थ म्यूज़िक प्लेयर। फिफ्थ म्यूज़िक प्लेयर का नाम है म्यूज़िक प्लेयर। यस, इसका नाम ही म्यूज़िक प्लेयर है। तो चलिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसका लुक कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप लोग जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ये हमेशा चेंज होता है, यानी कि जब भी आप इसे ओपन करोगे तो हर बार इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और पीछे आप लोग एनिमेशन भी देख सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे आप लोग इन ऐप वॉल्यूम देख सकते हो, यानी कि इस ऐप के अंदर आप लोगों को वॉल्यूम जो कंट्रोल है इस ऐप के ही अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट चैनल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगर
अगर आपके फ़ोन में दो स्पीकर है तो आप लोग किसी भी एक स्पीकर में गाना सुन सकते हैं, ओके। और हेडफोन में भी सेम है, और टाइटल्स बोल्ड्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सॉन्ग की लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग सॉन्ग की जो लिस्ट है उसको आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पांच ऐसा म्यूज़िक प्लेयर्स आप लोगों को दिखाया है जहाँ पे आप लोगों को एड्स एक भी देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेगा, जो फ्री है, जो जेन्युइन एप्लीकेशन है। उम्मीद है आप लोग इन सारे एप्लीकेशंस को आप लोग पसंद करेंगे, किसी ना किसी एक एप्लीकेशन तो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, मुझे पता है कि मैं स्टाइलिशली इस वीडियो को मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे जो अभी जो हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है। जब भी मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ तो मेरा हाथ जलता है, ओके। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने स्टाइलिशली इस वीडियो को नहीं बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।